सिर्फ इस पौधे की जड़ को मुंह में रखने से होगा तीव्र वशीकरण। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे की जड़ को मुंह में रखकर आप जिससे बात करेंगे वह आपके बस में हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा वशीकरण लेकर आए हैं, या जिसे आप टोटका भी कह सकते हैं, जिसमें आपको किसी मंत्र या मंत्र के जाप करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसमें कुछ साधारण सी विधि है, और अगर आप इसे सफलतापूर्वक करते हैं तो यकीन मानिए, आप जिस किसी के ऊपर भी यह क्रिया करेंगे तो सामने वाला आपका गुलाम बनकर रह जाएगा, प्यार आपके इशारे पर नाचेगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वशीकरण क्रिया का प्रयोग कौन कौन कर सकता है। इस विधि का प्रयोग वो सभी लोग कर सकते हैं जो किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर ऑफिस में आपका बॉस आपकी बात नहीं मान रहा है, जिसके कारण आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, तब आप इस वशीकरण विधि का उपयोग कर सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपका प्रेमी आपकी बात नहीं मानता है, वह हर समय आपके बारे में गलत सोचता रहता है, तो आप भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। पति पत्नी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर पति पत्नी अनबन रहती है तो आप भी इस क्रिया को कर सकते हैं, आपके बीच लड़ाई झगड़े कभी नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस क्रिया को करना कैसे है ये जानने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि ऐसा ही ज्ञान आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, और आप अपनी समस्या हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक बनाकर पहुंचाते रहें। दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और बताते हैं कि आपने यह विधि करनी कैसे है, जिसमें ना कोई मंत्र और ना किसी जाप की जरूरत है। इस क्रिया को करने के लिए आपको भृंगराज पौधे की जड़ की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, भृंगराज एक बहुत ही उपयोगी और औषधीय पौधा है, जिसका आयुर्वेद में चिकित्सा के रूप में भी बहुत ही प्रयोग किया जाता है, और तांत्रिक कार्यों में भी इसका बड़ा महत्व है। दोस्तों, इस पौधे की जड़ का प्रयोग करके कई तांत्रिक क्रियाओं का वशीकरण में प्रयोग होता है। दोस्तों, भृंगराज का पौधा आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप भृंगराज के इस पौधे को तलाश कर लीजिए, और जब आपको भृंगराज का यह पौधा मिल जाए, तब इस पौधे को उखाड़ने से पहले इस पौधे के सामने दो अगरबत्ती जलाएं और थोड़े से चावल डाल दें, और हाथ जोड़कर इस पौधे को आमंत्रण दें, और अपने साथ चलने का निवेदन करके प्रार्थना करें कि हे भृंगराज, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। इसके बाद आप इस पौधे को उखाड़कर अपने घर ले आएं, अच्छे से साफ कर लें, धो लें, और इस भृंगराज के पौधे की जड़ की 7 टुकड़ी करें, यानी कि 7 टुकड़े उस जड़ की कर लें। अब इन 7 टुकड़ियों को अपने पूजा गृह में रखकर अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करें। अब इन 7 टुकड़ियों को एक लोहे की डिब्बी में बंद करके पूजा गृह में 3 दिन रखा रहने दें। अब दोस्तों, जब कभी भी आपको इन जड़ों का इस्तेमाल करना हो, या किसी से अपनी बात मनवानी हो, या किसी का सम्मोहन या वशीकरण करना हो, तब आप इसमें से 1 टुकड़ी निकालकर अपने मुंह में रखकर उस व्यक्ति के पास जाकर 5 से 10 मिनट उससे बात करें। ऐसा लगातार आपको 7 दिन करना है, और प्रत्येक दिन आपको 1 टुकड़ी मुंह में रखकर उस व्यक्ति के पास जाना है। 7 दिन के बाद आप खुद ही कहेंगे कि वह व्यक्ति आपकी बात का हाँ में हाँ मिलाने लगा है, और आपकी हर बात मानने लगा है। हम जानते हैं कि कई लोग इस बात से असहमत होंगे, पर यकीन कीजिए, हमारा खुद का अनुभव है, भृंगराज के जड़ से किया गया वशीकरण या सम्मोहन कभी भी असफल नहीं होता। बस आपका मन और लक्ष्य सच्चा होना चाहिए। आप
सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्कार, राधे राधे।